हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल एटीएम वैन का फ्लैग ऑफ वीरवार सुबह बैंक स्क्वायर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के जोनल ऑफिस सेक्टर 17 चंडीगढ़ से किया। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ये मोबाइल एटीएम वैन राज्य के विभिन्न कस्बों गांवों में जाकर लोगों को पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बैंक के इस प्रयास से पेंशनर, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग लोगों को नगद निकालने की सुविधा गांव में ही बिना किसी कठिनाई के मिल पाएगी। इससे पहले डॉक्टर राजेश प्रसाद, जोनल मैनेजर, ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इच्छा जाहिर की थी कि जिन दूरदराज के क्षेत्रों व गांव में कोई बैंक या एटीएम नहीं है, वहां के निवासियों के लिए एटीएम सुविधा उनके स्थान पर ही उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसी सुझाव पर पहल करते हुए मोबाइल एटीएम वैन का आज लोकार्पण किया गया। डॉक्टर राजेश प्रसाद, जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, ने कहा कि मोबाइल एटीएम वैन द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को धन निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस वैन के माध्यम से जनसाधारण को एटीएम कार्ड के साथ साथ सरकार की अन्य योजनाएं पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीआई आदि की विस्तृत जानकारी भी मिल पाएगी। साथ ही किसी भी बैंक खाते वाला व्यक्ति इसके माध्यम से पैसे निकाल सकता है। डॉक्टर राजेश प्रसाद ने बैंक द्वारा आम जनता के आर्थिक उत्थान हेतु किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैंक 128 वर्षों से भी अधिक समय से जनता की सेवा में कार्यरत है तथा हरियाणा प्रदेश में बैंक की 700 से भी अधिक शाखाओं के अतिरिक्त पीएनबी द्वारा प्रायोजित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की 680 शाखाओं व लगभग 2500 बिजनेस कारेस्पोंडेंट की सेवाओं द्वारा हरियाणा की लगभग सभी ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवा रही है। यह सुविधा पहले चरण में मोरनी क्षेत्र में मंधाना खेड़ा, बागड़ा, भूरी, बजरौली, बहलोन, मोरनी, फोर्ट हरियाणा टूरिज्म के टिक्कर ताल में उपलब्ध रहेगी। हो सकता अपना नाम और मैं पंजाब नेशनल बैंक का जनरल मैनेजर डॉक्टर राजेश प्रसाद, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र को मैं देखता हूँ। मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने शिष्टाचार मुलाकात जनवरी में की थी तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उन गांवों में जहाँ पर एटीएम की सुविधा अभी भी नहीं है वहाँ पर मोबाइल वैन भेजा जाए ताकि जन सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में उनके इच्छा अनुसार आज हम मोबाइल एटीएम वैन का उद्घाटन माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा करवा रहे हैं और प्राथमिक रूप से यह एटीएम मोरनी हिल्स के गांव में, बरवाला के अंदरूनी गांव में और जैसा प्रशासन हमें जिन जिन गांवों का दिशा निर्देश देगा वहां एक दिन में कम से कम 2 या 3 गांव में जाया करेंगी। इस तरह पूरे महीने में का कार्यक्रम प्रशासन से लेकर के हम वहां ये सेवा देने जा रहे हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक 700 शाखाओं के साथ पंजाब नेशनल बैंक का आरआरबी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और अन्य 680 शाखाओं के साथ और करीब 2500 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स जो गांव के बच्चे गांव में ही सेवा देते हैं और साथ में करीब 750 एटीएम के साथ पंजाब नेशनल बैंक राज्य का अग्रणी बैंक है जो हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं, पेंशनर्स को सुविधाएं, केसीसी का लोन और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा योजना मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, केसीसी, पशु केसीसी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी केसीसी, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, सभी योजनाओं को हर गांव में पहुंचा रहा है और अपनी अग्रणी भूमिका। मोबाइल एटीएम वैन को लेकर के आगे क्या क्या प्लानिंग रहेगी? जैसे हमारे 22 जिले हैं तो 22 जिलों में हमारे बैंक का नेटवर्क हरियाणा में बहुत ही अच्छा है भारतवर्ष की अपेक्षा, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे दूर दराज के गांव हैं तो उन जिलों को चिन्हित करके आने वाले समय में अन्य जिलों में भी चिन्हित स्थानों पर मोबाइल एटीएम वैन को भेजा जाए। क्या पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक ऐसा है जो एटीएम वैन लॉन्च कर रहा है? पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और हरियाणा का अग्रणी बैंक है। लीड बैंक होने के नाते हम जो भी कार्य है प्रथम स्तर पर हम करते हैं। पंजाब में भी हमारा बैंक जो है वो अग्रणी बैंक है और पंजाब में भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे जो काउंटर पार्ट पंजाब जिनका हेडक्वार्टर्स लुधियाना में है वो कार्य किया करते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।